ऑफ मैटर टिल टॉट, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टिल टॉट, समझ गए कि नहीं? अब बताओ तुम्हारा कौन कौन सा आप एक ब्रेक। बार ग्रुप पे भेज दीजिए। हाँ उस पर भेजने जा रहा हूँ, पनवेल। सर सी वुड्स कारगर। हाँ सर, पनवेल वाले इसमें में इसमें कौन कौन सा है? पनवेल वाले भी है ना? हाँ सर, पनवेल थाने तब सर तब थाने का तो एक्चुअली सिविल उनका भी सर होता नहीं, मेरे उसमें तो डालने का कोई फायदा नहीं है। थाने का कोई बच्चा नहीं होगा इसमें क्लास में, है कोई? अच्छा यही है, इंटीग्रेटेड सीवूड खारगर और पनवेल। सर जुलाई बाद। जुलाई बैच, जुलाई बैच, जुलाई बैच भी है। नॉन इंटीग्रेटेड सी वुड्स खारघर वाले में भी डाल दीजिए। सर अच्छा उसमें उसका नॉन एंटी करके तो नहीं लिखा, सी वुड खारगर लिखा है, उसमें डाल दे रहा हूँ। देखो आ गया, ठीक है। सर आईआईटी जेई वाले में स्टार्ट कर दिया है क्लासिफिकेशन। हो गया ना स्टार्ट? हाँ नहीं सर, स्टार्ट कर दिया। हमारे में स्कोडिंग ही चल रहा है। हाँ हाँ वही तो, तुम्हारे में स्कोडिंग पनवेल वाले में हो गया है चालू। पेपर चेक करना टाइम नहीं मिल रहा उसका, बहुत ज्यादा काम है उसमें, मोबाइल से चेक करना है ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। सो अभी सर मान के कितने चलो पेपर्स चेक हो गए? बहुत कम लोग चेक हुए, उसका ऐप भी ठीक नहीं है ना, उसमें बहुत ज्यादा लैग होता है। वो हो जाएगा, जब भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? तुम्हें बता देंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तुमको कि चेक हो गया है, ठीक है? तुम्हारे पास आ जाता है वो, उसमें कोई बात नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत की सर बात अभी नहीं हम है। पीरियोडिक करेंगे। हाँ पीरियोडिक ही कराऊंगा मैं, ब्रांड डेफिनेशन लिखाऊंगा बस, क्योंकि देखो पेपर जो बनेगा वो हम लोग ही बनाएंगे, सीधी बात है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर से ही आएगा, तो तुम्हें बस पढ़ना है, और जब तक जेई में हो भी जाएगा, क्योंकि टाइम इतना कम है, जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए उतने टाइम में नहीं हो पाएगा। तो मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो कि नहीं? इलेवेंथ सीबीएसई, 19th को तुम्हारा एग्जाम है, उसके पहले तो क्लास तुम्हारी लगनी बंद हो जाएंगी। ये क्या टर्म वन सिलेबस क्या है? टर्म वन सिलेबस ही तो भेजा है, और क्या भेजा है? ये ऑक्सलुक का सर्वर बनाया तुमने? अच्छा हाँ कह सकते हैं, यूट्यूब से उसकी बराबरी कहाँ करोगे? देखो तो पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, उनकी डिस्कवरी होती जा रही थी, इसलिए एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि एक ऐसा कोई प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए, उनको एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर पाए। तो इसलिए इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया, हर एलिमेंट को उनके टाइप पे, उनकी प्रॉपर्टीज, चैप्टर का नाम। अच्छा पिछली क्लास में शुरू भी नहीं हुआ था क्या? पिछली क्लास में हो गया था ना शुरू? पिछली क्लास में कुछ हुआ ही पिछले नहीं था। अगर हाँ आप बोले सर, तो आप कोई एक्स्ट्रा आधे से क्लास ज्यादा लेंगे सर, क्लास हमने तो बताया नहीं हमने तो एक्स्ट्रा अब क्लास भी लेंगे। नहीं ली सर, तो बताएंगे संडे अभी, को है ना, संडे को 2 घंटे की, भूल गए? अभी खत्म हो जाएगा ये। अभी नहीं, संडे को होना पड़ेगा तब खत्म होगा। सर वही संडे बोल को रहा था कब है? सर। अब वो तो संडे को कितने बजे रखे, तुम ही लोग बताओ। सर आप ग्रुप संडे पे एक बार भेज को रख दीजिएगा दो, कंफर्मेशन। तुम लोग बताओ ना कितने बजे संडे को रखनी है। सुबह ग्यारह को रख से दो सर, 10 से 12, सुबह हाँ में संडे को हाँ 12 10 से 12 बजे बजे के या बाद 10 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में बता रहे, 9 से 11, 10 से 12, सब कुछ ठीक है। सर चलो पार्ट टेस्ट हाँ है सर, जुलाई बैच का। 9 बजे नहीं,
थर्मो थर्मो पढ़ाया ना थोड़ा सा, सिस्टम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इतना पढ़ाया है, उतना ही पढ़ना है, एक दो नंबर का आ जाएगा बस, ऐसे समझो। बस उसने उन्होंने नाम दिया है तो उसको बस यस करना है। सर कितने मार्क का पेपर है? पेपर कितने मार्क का है? पेपर आई थिंक 70 मार्क्स का है। आफ्टरनून में तो यार और प्रॉब्लम होगा, कनेक्शन सर आपने प्रॉब्लम। टेस्ट बनाया था क्या? पार्टेस्ट में क्वेश्चंस क्या थे? बहुत किसी ने बोला बहुत टफ थे उस दिन। सर सर थर्मो के क्वेश्चन आ गए सर, थर्मो का भी क्वेश्चन आ गया था सिलेबस का सर। हां सर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी आ गया था। अच्छा, पीरियोडिक का क्वेश्चन कौन सा था? मैंने सिर्फ पूरा पैराग्राफ था पीरियोडिक पे। अच्छा चलो आगे काम आएंगे, ऐसे मान के चलो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली वो जो क्वेश्चंस है ना वो पिछली बार मैंने दिए थे तुम्हारे सीनियर्स को, तो मुझे याद ही नहीं था कि तुम्हारा पीरियोडिक हुआ नहीं है। मुझे एकदम से मिला था पेपर बनाने के लिए, तो मैंने दे दिया फिर मैम को। ओके तो चलो पता तो चल गया आप कहाँ से पेपर बनाते हो। नहीं 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 ये ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं से भी उठा देते हैं बात सच में बात यही है कि जब पेपर बनाने को मिलता है तो ये देखा जाता है तुम लोग ने क्या पढ़ लिया है, और पहली बार टेस्ट हो रहा है कि दूसरी बार हो रहा है। तो ये क्वांटम में मैं एक्चुअली भूल गया था कि तुमने पहली बार ही टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा टफ चला गया होगा। मैं भी कुछ बच्चे कर पाए होंगे, सब नहीं कर पाए होंगे। चलो पहली बार वालों के लिए तो थोड़ा टफ हुआ था पेपर, मैंने बाद में ही देखा जब एक दो बच्चे ने मुझसे जो है व्हाट्सअप करके पूछा ये सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे जैसे डिस्कवरी होने लगी बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, हमने क्या किया अलग अलग तरीके से उनको रखना चालू कर दिया। मान लो अगर कोई सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे तो उनको अल्कली मेटल बोल दिया, ठीक है, इस तरीके से ये। और सिमिलरली अगर कोई एक प्रॉपर्टी वाले और एलिमेंट मिले तो उनको एक साथ रखना शुरू किया। ये तरीका पहले नहीं आया था, पहले डोबर आयनर ट्राइड्स आए थे और बहुत सारी चीजें आई थी, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल आई, उसके पहले जो है क्विंस ऑक्टेट रूल आया, ये सारी चीजें आई, बट वो सब सिलेबस पे हटा दिया गया है, तो उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं, वो डिलीटेड पोर्शन में चला गया सारा, ठीक है। प्राउड साइप होते थे, डोबर आइनर, लिमिटेशन, न्यूलैंड, ये सब चला गया है। तो ये सारी चीजों को हटा के सीधे हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। किस पे आते हैं? हेनरी मोसले ने किया था ना। हाँ, मोसले के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इसको बनाया गया था, बट वो सारी चीज किस में आती है? डिस्कवरी और क्रोनोलॉजी में, तो वो हटा दिया है। सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ सकता है, उस पे आ जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि देखो अगर 3 घंटे थर्मो तो बता देना इंस्टीट्यूट में, जितना क्लास के अंदर लिखाया है 2 लेक्चर में उतने से आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पेपर हम ही लोग बनाएंगे, तो तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल। जो क्लास जैसे पिछला पेपर था, पिछला पेपर कैसा था बताओ कॉलेज का? आसान था, टफ था? आसान था। एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब आसान था। हाँ तो बस वैसे ही आएगा एक क्वेश्चन, इस बार भी कुछ एक टफ आ जाएगा बस, बाकी वैसे ही आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें तो एक्चुअली वो टफ नहीं था, उसमें कुछ डेटा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ वही, मतलब जो डेटा था उसके बेसिस पे सॉल्व हो रहा था, बट आंसर बड़ा ही सरप्राइजिंग था, ऐसे कह सकते हैं, पॉसिबल जो नहीं है, मतलब नॉर्मली हो सकता है कोई लेबोरेटरी में वैसा कुछ बना लेता हो, बट कोई भी उसमें बैलेंस शीट सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। तो मोसले जो है उन्होंने मॉडिफाई किया जो हमारे पास पुरानी मेंडलीव की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको इस लाइन को भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, बस ये सुनो क्या कहता है, ये सुनो, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डेफिनेशन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसके हिसाब से तो लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? एटॉमिक नंबर्स के। जिस
तरीके से एटॉमिक नंबर आगे बढ़ेंगे उस तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद वापस से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, वापस से क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, सॉरी चेंज की जगह पे। तो रिपीट हो जाने की जो पर्टिकुलर टेंडेंसी है इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन से, किसके, देयर एटॉमिक नंबर्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम की, लिथियम की, पोटेशियम की ऑलमोस्ट कैसी है, एक जैसी है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सबकी कैसी है, एक जैसी है। तो इसमें क्या आता है, पीरियोडिक फंक्शन आता है, एक पर्टिकुलर जो है टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद वो वापस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज तुमको याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुमको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ, जैसे हाइड्रोजन ये है, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पीरियड। पीरियड क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल रोज होती हैं, जो हॉरिजेंटल ये रोज होती है इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 1s जो है सबशेल ही आएगा, 1 आएगा हमारा फर्स्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और 1s आएगा। तो 1s1 और 1s2 करके दो ही एलिमेंट आ पाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, हीलियम, ध्यान से देखना। तो ये फर्स्ट हमारा पीरियड हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाएगी मुझे। अब ये एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद देखो जो तीसरा हमारे पास एलिमेंट आता है वो कौन सा, लिथियम, ये थर्ड। उसके बाद फिर जो है इस रो के अंदर दिखाई है ना, ऊपर वाला नहीं लिखा है क्या? नहीं सर, मेरा थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ लिखो लिखो लिखो, जब तक मैं नीचे लिखता हूँ ऊपर लिखो। ये लिथियम आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा 4। उसके बाद हमारा फिर यहाँ पे एक्चुअली बीच में बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको मैं थोड़ी जगह देके छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा है ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये काफी बड़ा होता है बट मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। और उसके बाद में क्या आता है हमारा, बोरॉन आता है 5, उसके बाद कार्बन आता है 6, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन आता है 7, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आता है 8, और उसके बाद फ्लोरीन हमारा आता है 9, और इसके नीचे नियॉन आता है 10। तो अब हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, 3-4 बीच वाले को यहाँ पे अभी कोई भी चालू नहीं हुआ है, 4 के बाद सीधे 5 आएगा, ये सेकेंड पीरियड चल रहा है। कौन सा पीरियड चल रहा है, सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है। जब तुम गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है। तो ये 8 एलिमेंट हो गए। अब देखना, जैसे ही हम नियॉन के बाद वापस रिपीट करेंगे, मतलब 3+8 11 नंबर पे आएंगे। कितना हमने ऐड किया इसमें, 8 एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8वां एलिमेंट है। जो 8th एलिमेंट यहाँ से आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो वापस सेम प्रॉपर्टी शो करेगा जो हमने लिथियम के लिए देखी थी। सिमिलरली बेरिलियम के बाद में 8 ऐड करके कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम आएगा इसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम जैसी होती है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है क्या करा गया, बनाया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। देखो पहला एटॉमिक नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बोरॉन, बोरॉन के नीचे डायरेक्ट क्या आएगा, एल्यूमिनियम। 12 के बाद क्या आएगा, 13 एल्यूमिनियम। यहाँ पे हमारी ये एक डी ब्लॉक रहती है, इसको छोड़ दिया हमने, काफी ये वाइड होती है। यहाँ पे छोटा दिखाया कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, डी ब्लॉक तुम्हारा वैसे भी नहीं आने वाला है। एल्यूमिनियम, उसके बाद कार्बन जो है वो कितना आएगा, 6, इसमें 8 एड करोगे तो कितना आएगा, सिलिकन 14। ऐसे ही आगे 15 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे 17 आ जाएगा, ये होगा क्लोरीन, और यहाँ पे हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आर्गन गैस। तो हम क्या देखते हैं, हर पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसमें एक ही टाइप के क्या मिल रहे हैं हमको, ये जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, एक एक वर्टिकल कॉलम्स, ये जो है दूसरा, फिर ये यहाँ पे जो आ रहा है आगे वाला कॉलम, इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्स बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स को। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, सबके पास पीरियोडिक टेबल खुली रखी हुई है क्या, कोई बुक्स ऐसी हैं एनसीईआरटी वगैरह जिसमें देख सकते हो? सर प्रिंट आउट। हां सर। हां, तो उसमें देखोगे तो जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ऐसे थर्ड पीरियड आएगा,
इसके नीचे ये थर्ड है और यहाँ पे आएगा फोर्थ पीरियड, फिर आएगा फिफ्थ पीरियड, ऐसे आएगा सिक्स्थ पीरियड और फिर आएगा सेवंथ पीरियड। इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल आगे चलती। तो पूरी तुम्हें बनानी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टू से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है। तो हमें क्या याद रखना है, फिजिकल, अगर जैसे मैंने डेफिनेशन पूछ दी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो लॉ है इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से ही हमने एलिमेंट्स को क्या क्या असाइन किया है, यहाँ पे रखा है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इतना याद रखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, या इस चीज को इतना ही लिखना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो और भी लिख सकते हैं। ये अगर ऊपर का लिखा है तो यहाँ लिख देता हूं, वेन वी अरेंज द एलिमेंट्स, वेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बताओ, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, इट इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, दैट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट द प्रॉपर्टीज, देखो पीरियोडिक तो है ही यहाँ पे, दैट द प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखो भाई ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता है कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, पानी के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो पोटेशियम भी रिएक्ट करता है ना, एल्कली मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, है ना, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, इस तरीके से ये चीजें हमें पता है। तो सारी चीजें जब एक जैसी होती है, डेंसिटीज ऑलमोस्ट क्या इनकी सेम है, बाकी से अगर कंपेयर करोगे तो डेंसिटीज में फर्क आएगा, बट इस एक ग्रुप की पूरी डेंसिटी क्या एक जैसी है, फिर ये वाले ग्रुप की एक जैसी डेंसिटीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट जो प्रॉपर्टीज एक ग्रुप में होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। एक पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are repeated after certain regular intervals of, कितने कितने इंटरवल पर रिपीट हो रही है बोलो। हम कह सकते हैं जो यहाँ पे, हाँ वॉइस क्लियर नहीं है, अभी फिर से रिपीट कर दूंगा खुशी, तो ये एक बार लिख लो फिर रिपीट करेंगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ तीन है यहाँ ग्यारह है, तो थ्री प्लस एट इलेवन, इलेवन प्लस एट कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे 19 आएगा पोटेशियम का, सिमिलरली हम आगे जब ऐड करेंगे 18 तो रुबिडियम आएगा 37, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या याद रखेंगे ना, बोलो वहां पे डी ब्लॉक भी आ जाएगा ना सर, नहीं हाँ इसीलिए, ठीक है वो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, बट थोड़ा सा याद रख लो कि पहली बार में दो ऐड करेंगे, फिर एट ऐड करेंगे, फिर से एट ऐड करेंगे, और इस बार में 18 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक चालू हो जाता है, ठीक है, इसके बाद कैल्सियम के बाद। सर पी ब्लॉक डी ब्लॉक होते क्या है बेसिकली, हाँ वो भी सब बताऊंगा धीरे धीरे आएंगे उस पर, अभी तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो इसको पढ़ना नहीं, ये तो मैंने कल बता दिया। मेरा कहना क्या है कि पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर के फंक्शन होते हैं, इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस डायग्राम से। हम अभी पी ब्लॉक पे नहीं गए, हमने केवल देखा क्या है कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ, अब जैसे इंटरवल देखना है तुमको, तो हाइड्रोजन की तो प्रॉपर्टी हटाई दो, हीलियम की जो प्रॉपर्टी है वो भी 8 के बाद ही रिपीट कर रही है 10, और जो लिथियम की वो भी 8 के बाद रिपीट कर रही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 8 8 18, आगे देखेंगे तो इस तरीके के इंटरवल्स आएंगे, 18 फिर 18 आएगा और फिर क्या आएगा 32, ये 8 इस तरीके से ये आता है, 8 8 आता है, फिर 18 फिर 18 फिर 32, ये हर जगह पे वैलिड भी नहीं है,
क्योंकि जो इधर वाले एलिमेंट्स है इसमें हम लोग जल्दी से ही क्या ऐड करने लगते हैं 18। देखो यहाँ पे हमने 8 ऐड किया फिर 8 ऐड किया, बट जब डी ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो हम आगे 18 ऐड करेंगे। इस पे हम लोग आगे चल करके पढ़ाई करेंगे। सिमिलरली तुम इतना याद रख सकते हो कि हम लोग रेगुलर इंटरवल तो होते हैं, इसमें एक दो भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा तुम कहना क्या चाहते हो। 8 पे रिपीट करता है सही बात, 18 पे भी रिपीट करता है सही बात है, 32 पे भी रिपीट करता है ये भी सही बात है। बिकॉज जब इसके हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे अब 32 ऐड करना पड़ेगा, 32। तो 32 ऐड करने पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सीजियम आएगा, और उसका जो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 37 आया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, फ्रांसियम। तो मैंने 87 एक बार और ऐड करना है, 18 और करना है, दो बार 18 ऐड करना है फिर 32 ऐड करना है, यहाँ पे 32 ऐड होगा तो ये कितना आएगा, 55 आएगा, कितना आएगा 55, और इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 87। ये याद रखना। पहले हम जब हम लोग स्टार्टिंग के दो ग्रुप्स में होते हैं, दैट इज अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो पहले दो ऐड करते हैं, फिर दो बार 8 ऐड करते हैं, फिर दो बार 18 ऐड करते हैं, फिर 32 ऐड करते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हम लोग सीख पाते हैं, इतनी एकदम से जल्दी नहीं सीख पाएंगे, तो इसको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है। और साथ में हमने क्या लिख दिया, ये एक लाइन नीचे लिख दी, इसको भी याद रखो, ठीक है, सबने इसको लिख लिया है, किसी का रिमेनिंग है कुछ इसमें लिखना बचा है, सबका हो गया सर? पीरियोडिक टेबल दिखाना थोड़ा ऊपर सर। कोई भी बुक है उसके अंदर बस तुम जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते जाओ कि हाँ ये सही बात है कि नहीं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे ऐसे यहाँ बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्सियम है, स्ट्रॉन्शियम आएगा, बेरियम आएगा, और फिर रेडियम आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएंगे ना, उनके भी हम लोग आगे नंबर लिखना समझ जाएंगे कैसे लिखते हैं। अब देखो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं उस पे हम लोग थोड़ा बहुत जा सकते हैं, ज्यादा नहीं तो दो तीन हमें बता देता हूँ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर ऊपर बना ही दिया मैंने, फिर भी एक बार और देख लो, ऑफ लॉन्ग फॉर्म, इसको और भी क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, बहुत लॉन्ग है, इसको बनाने में काफी ज्यादा पीरियड्स और ग्रुप्स का यूज किया गया, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। इसमें किसी भी स्पॉट पे दो एलिमेंट को नहीं रखा गया है, हर एक जो जगह है जहां पे एक हमारे पास पीरियड और ग्रुप क्या होता है, कट होता है, जहां पे एक यहां पे एक नंबर जो आता है उस पे सिर्फ एक ही एलिमेंट को रखा है, ऐसा नहीं होगा कि नियॉन भी रखा है। हाँ बोलो सर, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वो तो साथ में रखे हुए ना। हाँ वही बात है, जहाँ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा है हम लोग ने, तो वहां पे क्या हो गया, उनका फिर एक चीज तो बदल रहा है ना, अगर यहाँ पे पॉइंट रखा है तो उसको बस नीचे शिफ्ट किया है, उनका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, आगे चेंज हो रहा है, तो उस चीज को तुम समझोगे। यहाँ पे जो है जैसे हमने बता दिया ना यहाँ पे कि पीरियड नंबर थर्ड है या कुछ, लेकिन उनको यहाँ पे रखने की एक ही वजह थी कि उनके पास एफ इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग आ रही थी, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, इसलिए उनको बस नीचे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी इसलिए रख दिया, इसलिए इसीलिए उनको नीचे रख करके अलग अलग दिखाया गया है कि भाई 14 जो है एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो क्योंकि उसके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ सबशेल में और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 एलिमेंट्स को हमने बाहर नीचे रखा है। देखो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या होगा, जो बोहर पीरियोडिक टेबल है सबसे बाद में जो बोहर ने दिए मोजलेस के जो रोल पे बनी थी, बोहर बरी जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंगली बनी थी, तो उसको बोहर पीरियोडिक टेबल बस बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, देयर आर कितने ग्रुप से बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स देयर आर, 7 पीरियड है एंड 7 पीरियड्स, ये मॉडर्न पीरियड टेबल में है 7 पीरियड्स इन, ये तुम देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हमारे पास हो गए हैं, 18 ग्रुप्स हो गए हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो,
ये अभी कहीं पे लिखाया नहीं है तो चलो लिखाई देता हूँ सर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल। हाँ, हॉरिजेंटल रोज क्या बोलते हैं बोलो, पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, इतना याद रखो। अब फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड क्या है ये तो पता ही है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पीरियड्स में भी सर जो एलिमेंट्स है वो भी सर ऐसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे करके। नहीं, पीरियड में तो भाई, पीरियड में तो ऐसे बढ़ रहा है ना, एक एक करके, पीरियड में तो एक एक करके बढ़ता है। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उसी के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो ये तो हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा, जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी लिया है तो सही बात है हमको। जैसे अगर पता है जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, मतलब उसमें प्रिंसिपल काउंटर नंबर कितना है, 1, तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, 2n², तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे। दूसरे में कितने एलिमेंट हो सकते हैं बताओ, मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं 2n² से जब लगाओगे, 8। थर्ड में कितने हो जाएंगे बताओ, 2n² से लगाओगे जब, 18, है ना, 18 सर, लेकिन 80 होता है ना थर्ड वाले में। हाँ, तो यही यही सबसे बड़ी बात है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कोरस ऑर्बिटल है वो 3D से पहले फिल हो जाता है, तो 3D सीरीज वहां पे आती नहीं है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ पाओगे, एकदम से इसको समझाना थोड़ा सा बहुत मेसी हो जाएगा। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे आ जाओ, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पहले मैं बता देता हूँ तुमको ब्लॉक्स क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा है प्रश्न ना, ये हमारा टर्म 1 हो जाएगा, टर्म 2 भी हो जाएगा, फिर भी वो खत्म नहीं होगा अगर उसको पढ़ाने लगे तो। उसको जल्दी से निपटाएंगे एक बार एग्जाम हो जाए। JEE में चालू होगा कम से कम 2 महीने के आसपास चलेगा थर्मोडायनेमिक्स, ओके, 1.5 महीने तो चलेगा ही, 1.5 मंथ। सुनो, अब हम लोग क्या बताएंगे, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स भी तो हैं पीरियोडिक टेबल में, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी, अभी कैसे एलिमेंट भरने हैं उसकी बात नहीं कर रहे। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो क्या है, द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन ब्लॉक है, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक है, 4 मेन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है, 4 मेन ब्लॉक्स, दैट इज एस पी डी एंड एफ, डिपेंडिंग अपॉन दी सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, इन विच द आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर होता है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। एक बच्चे ने पूछा था ना एस ब्लॉक पी ब्लॉक कैसे बोलते हैं, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, तो जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा एस ब्लॉक में, एस सबशेल में, उनको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम अभी मुझे फिर से एक बार एक्चुअली बनाना ही पड़ेगा पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत, इस बार मैं बना देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। हाँ चलो इसको लिख लो पहले। तो ये चैप्टर भी एक्चुअली अगर पढ़ाया जाए तो इसमें भी कम से कम 8 घंटे चाहिए इसको पढ़ने के लिए, 8 आवर्स का चैप्टर है ये। ओह माय गॉड, पीरियोडिक टेबल है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत माइनर पहले होंगे ना सर, क्या ये एसपीडी ब्लॉक सब पहले। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जगह नहीं छोड़ना है, वो अलग से लिखने ना जब आगे आएगा सर, और थोड़ा ऊपर करो ना स्क्रॉल।
हाँ, और इसमें ये भी है, लिखने में भी टाइम जाता है, तो उसको बता के बताया जाता है कि 8 घंटे का चैप्टर है। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ाते 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 8 घंटे, बीच में समझोगे, क्वेश्चन करोगे, कुछ नोट करोगे, ऐसा सब मिला के लगभग 8 घंटे लग जाते हैं सर। 2-2 घंटे की 4 क्लास तो मिनिमम चाहती है इसके लिए। हाँ सर, जैसे अब मैंने एस ले लिया, जैसे एस ब्लॉक ले लिया, तो उसमें सारे ऐसे आ गए हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब। फिर सर एकदम कोने में हीलियम भी आ गया, तो मतलब सर फैले हुए हैं। बट फिर हीलियम के नीचे अगर आप आर्गन देखे, वो सुनो 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 सुनो, केवल हीलियम ही तो है, तुमने बोल दिया फैले हुए हैं एक बेचारे की वजह से। सिर्फ हीलियम ही है जो उसको साइड में रखा गया है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट चूंकि वो इनर्ट गैस है तो उसके साथ रख के उसको, हाँ हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन है, यस। हाइड्रोजन को कहीं पे भी नहीं रखा गया है, हाइड्रोजन को एक अलग स्पेस दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। देखो ऐसा नहीं होता है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रख देंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है प्रॉपर्टीज भी उनकी मैच होनी चाहिए। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्लियरली ना तो हीलियम, लिथियम और सोडियम जो कि अल्कली मेटल से, इनसे मैच होती है, और ना तो फिर हैलोजन से मैच होती है, दोनों से बिल्कुल प्रॉपरली मैच नहीं होती, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। इसलिए अभी क्या किया गया, IUPAC के जो कन्वेंशन के हिसाब से 20 साल पहले तक लगभग हाइड्रोजन को एक अलग स्पेस दिया गया, एक अलग उसकी लोकेशन सेपरेट रखा गया है पूरी पीरियोडिक टेबल में, उसको एक अलग से ऐसे याद रखना कि हाइड्रोजन होता है, बस उसको कहीं पर जगह नहीं दी गई है। हीलियम चूंकि एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो इनर्ट गैस है और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसको रखना कहाँ पड़ता है, नियॉन वगैरह के साथ, ठीक है, यहाँ रखना पड़ता है जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन के साथ, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। ओके, तो फैला नहीं हुआ है बच्चे, मैं अभी दिखा देता हूँ रुको तुमको, चलो। और हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं उसके बराबर नहीं होता है, उसमें इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने होंगे ये अफबाउ प्रिंसिपल से पता चलेगा, ठीक है भाई। तुम्हारा 4s अगर पहले भर रहा है, अगर 4s पहले भर रहा है, 3D भर ही नहीं रहा है, मतलब ये फोर्थ पीरियड में जाकर के फील होगा फिर, क्योंकि 4s पहले भर रहा है तो 3D थर्ड वाले पीरियड में भरता ही नहीं है, इसलिए 18 की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, सिर्फ 8 नए, इसलिए जो थर्ड पीरियड है उसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। धीरे धीरे समझ जाओगे, बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो थोड़ा सा नया लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, बस ये है। सुनो अब मैं देखो आगे बनाने जा रहा हूँ पीरियडिक टेबल। एटॉमिक का डाउट पूछना है तो पूछ लो, बट चूंकि इससे रिलेटेड अगर होगा तो अच्छा है, नहीं तो क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है वो खुद ही सर आपने अभी एस बोला ना उससे रिलेटेड है। हाँ बोलो बोलो सर। नोड्स पे कोई इलेक्ट्रॉन्स मिलते नहीं है ना? नोड्स पे कोई इलेक्ट्रॉन फाइंड सर तो जब भी इलेक्ट्रॉन 1s से 2s जाता है तो बीच में नोड तो मिलेगा ना, तो नोड से होके जाना पड़ता है ना, तो नोड्स में इलेक्ट्रॉन। हाँ वो ये देखो ये बात है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हो, जब पूछ रहे हो ना 1s से 2s में। हाँ सर हाँ, वो प्रोबेबिलिटी है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो पूरा प्रोबेबिलिटी पे है, वो तो बोलता है दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वहां पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नोड पे 0 है, तो वो उससे ऊपर जाता है उससे मतलब नहीं, वहां रहता है कि नहीं इससे मतलब है। ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन है मतलब इलेक्ट्रॉन वहां स्टे करता है कि नहीं, उससे निकल के जाएगा उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाएगा कि नहीं, वी आर एबल टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन देयर और नॉट, ये होता है ऑर्बिटल सर। लेकिन जिस इंस्टेंट पे वहां से जाएगा, अगर उस इंस्टेंट मतलब उस एक सर वही तो प्रोबेबिलिटी तो रहेगा ना उस, तो सर पर तो जीरो प्रोबेबिलिटी बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब उस पे जा रहा है उससे, जैसे वहां पे आदमी रहता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे रहता नहीं है, केवल उससे गुजरता है बस। जैसे अगर मैं 1s यहां पे बता रहा हूं कि यहां से मान लो वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, स्फेरिकल है, तो बीच में एक नोड पड़ेगा, तो अब इसको यहाँ पे से इधर जाना है अगर, तो ये जो बीच वाली जगह है ना, इससे इसमें रहता नहीं है वो, इससे पास करता है बस, पास करने को यहाँ पे काउंट नहीं करता। पर मिलने की प्रोबेबिलिटी तो है ना? नहीं नहीं नहीं, पास भी करता होगा तो। हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा तो एक्साइट नहीं करते ना इलेक्ट्रॉन को, अगर ग्राउंड स्टेट में रखा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, अगर एक्साइट कर रहे हो तभी बता रहे हो ना तुम ये, अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा है, 1s में भी इलेक्ट्रॉन, 2s में भी इलेक्ट्रॉन, तब बताओ, तो भी तब तो स्टैटिक स्टेट में तो बताओगे ग्राउंड स्टेट में कि नोड है उसमें, ग्राउंड स्टेट में रखा है तो कहाँ पास कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो अपनी जगह पे होगा, 1s वाला 1s में होगा, 2s वाला 2s में होगा, तो ग्राउंड स्टेट में तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो जो प्रॉब्लम
प्रोबेबिलिटी है वो क्या, और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही पूछते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि एक साइड कराते के टाइम बताओ प्रोबेबिलिटी नोट पे क्या होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं सर, मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा, मैं जनरली पूछना था। नहीं नहीं जनरली तुम यही बोलोगे ग्राउंड स्टेट मान के ही हम आंसर दे रहे हैं, यही हमको समझना है, ऐसा नहीं है कि रोड से क्रॉस हो गया तो रोड पे ही घर बना लिया, उस तरीके का नहीं है कुछ भी। हाँ तुम्हारी बात सही है, वो तो कॉमन सेंस है भाई, जब पास करेगा तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि जो केमिस्ट्री में ये थ्योरीज हैं ये सब मैथमेटिक्स लगा के बनाई गई हैं, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो सिर्फ एक अभी चल के तुमको आगे चल के समझ में आएगा कि वो था क्या जो तुमने पढ़ा था, अभी पढ़ लो बस, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और काफी डीप है, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए देखो बहुत थोड़ा सा दिया गया है ना, स्क्रोडिंजर मॉडल जो है ना बहुत थोड़ा सा दिया है, ज्यादा उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है उसमें, 1 degree 2 degree 3 degree कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको सॉल्व करना है नहीं यहाँ पे, तो सीधे सीधे जो है साई वन एस का फॉर्मूला याद करा दो, साई टू एस का याद करा दो और उस पर क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन सॉल्व करना उसमें जो है सिंपल होता है, धीरे धीरे समझ जाओ। सर मेंडलीव के टाइम पर तो SPDF नहीं था, उसने पीरियडिक टेबल ऐसे नहीं बनाई थी, उसने जो पीरियडिक टेबल बनाई थी उसमें क्या था प्रॉपर्टीज के हिसाब से सिर्फ रख दिया था मेंडलीव ने, ठीक है, तो ये है उसकी प्रोडक्ट टेबल तो हमारे पास पढ़ने के लिए है ही नहीं, तो मतलब सर उसका एकदम ऐसे कैसे सही बैठ गया, मतलब 1s 2s के हिसाब से जैसे आज हमारा, मतलब उसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही था ना, ऑलमोस्ट था, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, उसने क्रोमियम मैग्नीशियम बहुत सारे एलिमेंट्स को साथ में रख दिया था, उसने एटॉमिक नंबर के आधार पे नहीं रखा था, उसने किसके बेसिस पे रखा था बताओ, फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, नहीं उसने जो रखा था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे, हाँ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो थी, जो उसने रखने का तरीका अपना सोचा था वो यही सोचा था कि एटॉमिक मास जो है उसके बेसिस पे उसको रखा, बट ये है कि जो उसके अंदर रोज थी जो तरीका था दिखाने का वो अच्छा लगा सबको, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास लिख दिया था, अगर एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा तो तुम ये बताओ 20 कैल्शियम कितना होता है 40 है ना, और 18 आर्गन भी कितना होता है 40, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, सेम होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो ये इसकी खोज भी नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी ना इसकी, इसलिए उसको सबने मान लिया कि मेंडलीफ ने अच्छा काम किया है, जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो उसकी पीरियोडिक टेबल तो पहले ही एक्चुअली गलत साबित हो चुकी थी, तो ये तो बहुत गलत हो जाता फिर कि इनर्ट गैस को तुमने बोल दिया है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने, बस हाँ क्योंकि वो उसने बहुत सारा काम किया था, बहुत सालों तक काम किया था, तो उसको एक तरीका समझ में आ गया कि ऐसे पीरियड बना लो, एक लिस्ट बना दी उसने बस, जो जैसे आता गया उसको रखता गया, जैसे लिथियम आया उसके बाद उसने कहीं से सोडियम पाया, किसी जगह पढ़ा उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसको यहाँ रख दिया, और रखा था उसने किसके हिसाब से एटॉमिक मास के हिसाब से ही, तो एटॉमिक मास जो होते हैं तुम देखते हो ना ऑलमोस्ट वो डबल के आसपास होते हैं, अगर यहाँ पे 3 × 2 = 6 है तो 7 होगा, यहाँ 23 होगा, तो 7 और 23 के बीच वाले इधर ही आएंगे ना सब, तो वो उसका जो जो तुक्का था वो बहुत अच्छा फिट हुआ था, समझ रहे हो, उस गलती के चांस नहीं थे ज्यादा, ये है, बट गलतियां तो बहुत हो गई फिर उससे, बट हाँ अच्छा काम तो किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली पीरियोडिक टेबल, बट हमारे लिए अच्छा ये है कि क्योंकि उससे जेई में कोई फायदा नहीं और एनसीईआरटी में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं, इसलिए उसको हटा दिया है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, अब उसके बाद में हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो ये पीरियड भी लिख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिख रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, अब देखो थर्ड पीरियड में तो डी जो है आ नहीं पाएगा, बिकॉज जो 3D है वो 4s के बाद फिल होता है, तो ये तो खाली चला जाएगा, उसके बाद कैल्शियम के बाद ये भरेगा 10 तक भरेगा यहाँ पे, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं पॉइंट लगा देता हूँ इसको लिखने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा मैं। अब उसके बाद बताओ जब ये भर नहीं रहा है तो मैग्नीशियम के बाद, क्योंकि ऊपर खाली जगह इसलिए छोड़े क्योंकि नीचे भरना है, तो इसका पूरा स्पेस अच्छा लगना चाहिए, खाली लगना चाहिए, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, इससे पहले बेरिलियम के बाद लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम यहाँ कहीं पे लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, और जस्ट जो आता है उसको लिखता हूँ, बेरिलियम के बाद क्या आएगा यहाँ पे, लिथियम बेरिलियम, उसके बाद आएगा हमारे पास बोरॉन, ठीक है बोरॉन, और बोरॉन के बाद यहाँ पे हाँ कार्बन आ जाएगा, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, और फिर नियॉन आ जाएगा, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। देखो इसका 1 है, इसका 2 है, 3 4
पांच छ सात आठ नौ दस, ठीक है, और इसको हम लोग ऊपर ले जाओ, इसको ये कौन सा पीरियड हो जाएगा ये अभी तुमको नाम बताऊंगा मैं, पहले इसका क्या नाम था और अभी इसका क्या नाम है, ये सारे नाम लिखूंगा, पहले थर्ड वाला आ जाने दो, थर्ड जैसे ही आएगा वैसे समझ में आने लगेगा। अच्छा, मैग्नीशियम जो है वो 10 के बाद 11 आएगा, यहाँ 12, और यहाँ पे 13 आएगा एल्यूमिनियम, 14 आएगा सिलिकन, और 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर और 17 क्लोरीन, ये ऐसे याद रखो, ठीक है, ये और 18 आर्गन, ये हमारा आ जाएगा थर्ड पीरियड। अच्छा बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स तुमको दिख रहे हैं, 8 ही दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो 3n स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो गलत क्यों हो रहा है, वो गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड का मतलब ये नहीं है कि थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे काउंट कर लोगे, क्योंकि 3d तो भरा ही नहीं अभी, 3d भरने के लिए फोर्थ पीरियड में चलना पड़ेगा, 4s आना पड़ेगा, जैसे ही 4s आएगा वैसे ही वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। पीरियड कैसे लिखते हैं, पीरियड कैसे डिसाइड होता है बताओ, पीरियड के लिए क्या लिखूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही अपना क्या बताता है पीरियड, याद रखोगे ये बात, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको क्या बोलेंगे पीरियड, इन वो पीरियड डिसाइड करेगा इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखोगे। अब ध्यान से देखना कैल्शियम के बाद क्या आएगा बताओ, स्कैंडियम यहाँ पे 19 यहाँ पे 20 और फिर क्या आएगा टाइटेनियम 22 और वैनेडियम 23 क्रोमियम 24 और इसके बाद, हाँ बनाना नहीं है अगर समझ लो तो अच्छा है, जितना तुमको जहाँ पे तुमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है ज्यादा, जैसे ये डी ब्लॉक अभी इम्पोर्टेंट नहीं है वो आगे पढ़ने को मिलता है उसको छोड़ सकते हो, Fe 26 हो जाएगा और कोबाल्ट 27 हो जाएगा, निकेल 28 हो जाएगा और कॉपर 29 हो जाएगा और जिंक 30 हो जाएगा, तो ये जो एलिमेंट है कितने हैं ये देखो 10, क्योंकि 10d इलेक्ट्रॉन 3d10 वाले हैं ये, 3d1 3d2 3d3 3d4 ऐसे करके 3d10 तक, इसके जस्ट बाद में गैलियम आ जाएगा उसका 31 होगा और यहाँ पे जर्मेनियम 32 होगा और आर्सेनिक जो है वो 33 होगा और सेलेनियम 34 होगा, ब्रोमीन 35 होगा और 36 जो है वो क्रिप्टन हो जाएगा, इतना याद रखो बस। अब देखना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल नई वाली जो बिल्कुल लेटेस्ट है जो IUPAC ने दी है उसने क्या बोला है, 1 से लेके 18 लिख दो सीधे, देखो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 3 आएगा स्कैंडियम वाला, ये 4 आएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है, ये 11 और ये 12, ये वाला ये इसके नीचे लिखो, तुम मिला लेना, मैं उतना नहीं मिला रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी, ऐसे ऐसे मिला लेना, ठीक है, ये आएंगे बिल्कुल नीचे नीचे आएंगे, ये तुम्हारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा बोरॉन 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, ये 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप और ये 18 ग्रुप, ये 18 ग्रुप हो गए, इनको क्या बोलते हैं ग्रुप्स, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं, इनके अंदर भी चीजों को भरा जाना है, तो ग्रुप और पीरियड सबको समझ में आएगा। अब देखो जल्दी से, ये जो यहाँ पे है ना इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखना आ गया तो क्या लिखोगे, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, चलो साथ में लिख रहा था चलता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मुझे पूछना होगा तो मैं डायग्राम बना के तो पूछूंगा नहीं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हाँ वेरी गुड ऑफ दी पीरियोडिक टेबल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, और बैठे भी लिख सकते हो कोई गलत बात नहीं है, इन एस सबशेल दोनों सेम से दोनों चीजों का सेम मीनिंग आएगा यहाँ पे। द एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज अल्कली मेटल्स
एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स हैं ये? सबको समझ में आ रहा है? धीरे 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 ही आएगा देखो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो. इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. हीलियम 1s2 इज ऑल्सो ए एस ब्लॉक, एक्सेप्शन में लिख सकते हो इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, बट इट इज kept with other inert gases in 18th group. In 18th group कहाँ पे आता है? P block में आता है, उसमें रख दिया गया इसको. तो ये लिखो जल्दी से, periodic table किसी को देखना है ऊपर या लिखना है सीधे? S block लिखो. सर थोड़ा ऊपर करो ना. हाँ ग्रुप समझ में आए, पीरियड समझ में आए. अभी एक और चीज मेरे पास बताने के लिए है, बट मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. वो है जो तुमने शायद 9th-10th में पढ़ा हो, फर्स्ट ए सेकंड ए, ऐसा कुछ पढ़ा था? किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन अभी दिखा रहा हूँ. फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड बी सेवंथ बी ये सब नहीं पढ़ा है तो छोड़ो, उसको बाद में देखा जाएगा. पढ़ा है ना, तो वो पहला वाला था, वो अब नहीं चलता है, वो ओल्ड कन्वेंशन है. दैट इज ओल्ड कन्वेंशन टू डिनोट द ग्रुप्स. बट उसको क्या है, अभी हटा दिया गया है. तो क्वेश्चन लेकिन उस पर मिलेंगे, जेई वाले तो क्वेश्चन उस पर नहीं पूछते हैं, बट जो बुक्स हैं बुक्स उसमें उस पर सवाल दिए हैं. अब बुक्स में तुमको आएगा तो पूछोगे सर ये क्या लिखा है, इसलिए पढ़ा दिया जाता है. बुक्स सब है पुरानी, उनको जो है कोई चेंज करता नहीं इतनी जल्दी. हो गया? हाँ सर. लिख लिया, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? इस ब्लॉक में सब कुछ लिखा दिया. हाइड्रोजन का तो छूट गया ना, हाइड्रोजन का तो अपने याद रखना है. सर अभी आप कौन से कन्वेंशन की बात कर रहे थे? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अभी आप कौन से कन्वेंशन की बात कर रहे थे? उसकी ये देखो, ग्रुप को लिखने का जो पुराना तरीका है वो समझा देता हूँ मैं तुमको. क्या है ओल्ड जो कन्वेंशन है वो तुमको मैं सिखाने जा रहा हूँ. देखो जो हमारे पास पुराना जो कन्वेंशन था इनको लिखने का, वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा पुराना है. तो उसमें क्या था, ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, इसको हम लोग ने लिखना था 1A. क्या लिखना था इसको? 1A. बट चूंकि अब वो हटा दिया गया है, उसका यूज नहीं करता है कोई, इसको बोलते थे सेकेंड ए ऐसे, ठीक है, ये सब नाम थे. बट हम क्या चाहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुम लोग छोड़ ही दो, ज्यादा अच्छा है. इसमें फिर से तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, बट ये याद रखो इसको 1A बोलते थे, इसको 2A बोलते थे. आगे चल करके यहाँ पे 3A आता था, फिर 4A आता था, फिर 5A आता था, फिर 6A आता था, फिर 7A, फिर 8 आता है. सर 8th आता है, 8th भी नहीं होता वो. ये 8th जो है अभी कोई जरूरत इसकी है नहीं, ये हटा दिया इसको है, इसलिए हम लोग ने भी इसको मान लिया कि चलो ने कंसीडर में नहीं लाते हैं. इससे अच्छा तरीका ये नीचे वाला है, सीधे 1 से लेके कहां तक याद रखो. इसको 0 ग्रुप भी बोलते थे पहले. क्या बोलते थे इसको, किसी को याद है? पढ़ा था? हाँ सर. तो ये सारी चीजें हैं, बट अभी क्या है कि इनका कोई इंपॉर्टेंस उतना है नहीं, तो इसलिए तुम नीचे वाले याद रखो, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा. फिर भी जब पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा, है ना. जेई का अलग बात होता है, उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब चीजें बताई जाती हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है,
थर्ड है क्यों बोलते हैं, फोर्थ है क्यों बोलते हैं, सेवन्थ है क्यों बोलते हैं, सिक्स्थ है क्यों बोलते हैं, तो वो पहले के नाम है इसलिए बोला जाता है। तो क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग पूछ दिया जाता है। अब ये पूछा ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, ग्रुप पूछ दिया नहीं, ऑप्शन में लिखा हुआ है सिक्स्थ है, अब तुम ढूंढ रहे हो उसमें सिक्सटीन ग्रुप मिल नहीं रहा है, तो फिर तो यही आंसर लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे नहीं आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये बोर्ड्स में 18 ही आता है क्योंकि एनसीईआरटी में चेंज हो गया। चलो अब देखना, नेक्स्ट जो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें भी डेफिनेशन सेम है। क्या कर दोगे सिर्फ बताओ, क्या कर दोगे? सिर्फ पी सबसेल कर दोगे, एस सबसेल की जगह पे क्या कर दोगे? पी सबसेल। मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा ऊपर वाले तरीके से लिखना। इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां पे पाए जाते हैं ये? राइट साइड में, इन पीरियोडिक टेबल दीज आर प्रेजेंट इन राइट साइड, ऐसे लिख सकते हो। कहां से कहां तक है? सर थोड़ा सा ऊपर जाओगे क्या? हाँ जाऊंगा। ग्रुप बता दो इसका पहले, फ्रॉम ग्रुप कौन से ग्रुप से लेके कौन? यस 13 to 18, बस इतना लिखना है और कुछ इसमें है। ऊपर कौन सा वाला एक्सेप्शन? यस सर। 1-15 तक क्लास है ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। अरे जितना तुम्हारा अभी तुम्हारा ऐसे समझो तुम 10% हुआ है, 10% हुआ है पीरियोडिक का। हाँ बोलो। 1 बजे तक नहीं था यार मेरे पास जो आया था उसमें, तो 1:15 था। नहीं ऐसा नहीं है, 1:15 को नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा मुझे तो बताओ याद भी नहीं है। चलो ठीक है, ये लिख लेना, उसके बाद लीव कर देना। मेरा भी लेक्चर है यार, मुझे याद दिला दिया तुमने। तुम्हारा लेक्चर नया है ना, मैं मैम को बना देता हूँ और मैं भाग जाता हूँ, ठीक है? मुझे दूसरा लेक्चर लेना है, उनके लिए आईडी वगैरह लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। लिख लिया सबने? ग्रुप पे भेज दूंगा ये। सर अभी भेज दीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम लेने दो, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ।